ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों दोस्तों नए साल की शुरुआत होने जा रही है। साल 2024 दस्तक देने वाला है। नए साल अपने साथ नई खुशियां, नई उम्मीदें लेकर आता है। हर किसी की चाहती है कि आने वाला साल जीवन में खुशियां लेकर आए। यदि आप भी नए साल में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर से कुछ चीज़ों को हटाना है। माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी आपको करनी है। माना जाता है जिस घर में गंदगी होती है, कूड़ा कबाड़ा होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है। इसलिए नए साल की शुरुआत से पहले ही अपने घर से इन चीज़ों को बाहर निकाल कर दीजिए, ताकि आने वाला साल आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में 2024 शुरू होने से पहले किन किन चीज़ों को आपको अपने घर से निकाल फेंकना है। दोस्तों यदि आपके घर में कोई भी खराब घड़ी पड़ी हुई है तो नया साल आने से पहले इस घड़ी को हटा दीजिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर में बंद पड़ी हुई घड़ी बहुत ही अशुभ मानी जाती है। नए साल की शुरुआत शुभ चीज़ों से करनी है। आप अपने घर में नई घड़ी लेकर आइए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपका अच्छा वक्त शुरू होगा। इसके अलावा यदि आपके घरों में बहुत दिनों से कोई टूटा फूटा फर्नीचर है, सोफा है, मेज है, कुर्सियां हैं, कुछ भी ऐसा सामान जो टूटा फूटा है और आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो नया साल शुरू होने से पहले उसे घर से बाहर कर दीजिए। माना जाता है बहुत दिन तक जब ये चीज़ें ऐसे ही घर में खराब पड़ी होती हैं तो ये चीज़ें हमारे घर में दुर्भाग्य लेकर आते हैं, और जिनकी वजह से घर का माहौल नकारात्मक होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो घर का फर्नीचर हमेशा स्थिति में उसकी सही होनी चाहिए, सही कंडीशन होनी चाहिए। टूटा फूटा फर्नीचर है तो इसे तुरंत घर से बाहर कर दें। घर में यदि कोई भी पुराना टूटा फूटा बर्तन है तो उसे घर में ना रखें। नया साल शुरू होने से पहले से तुरंत घर से हटा दीजिए। इसकी जगह पर आप कोई नया बर्तन बदल कर ले आइए। टूटे फूटे बर्तन घर में रखना वास्तु की दृष्टि से बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं टूटे बर्तन घर में अशुभता लेकर आते हैं। घर में यदि आपके मंदिर में कोई भी भगवान की खंडित मूर्ति है तो उसे वहाँ से तुरंत हटा दीजिए। फटी हुई है, कागज की मूर्तियाँ हैं तो ऐसी मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में यदि आप मूर्ति रख भी रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस बार अपने मंदिर में छोटे से छोटी मूर्ति रखिए। 3 इंच से लेकर के 6 इंच तक की मूर्ति, जितनी छोटी मूर्ति होगी उस मूर्ति के लिए उतनी ही व्यवस्था कम करनी पड़ती है, और जितनी बड़ी मूर्ति होती है उसके लिए हमें व्यवस्था भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है, भगवान को उतना ज़्यादा मनाना पड़ता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान आपसे नाराज ना हो, तो अपने घर में छोटी मूर्ति स्थापित कीजिए। खंडित मूर्तियाँ जो भी हैं उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। घर में यदि आप शिवलिंग भी रखते हैं, बहुत से लोग शिवलिंग रखते हैं अपने घरों में, तो वो भी आपका 3 इंच से लेकर छोटे से छोटा 6 इंच तक का शिवलिंग आप अपने घरों में रख सकते हैं, क्योंकि बड़ी मूर्ति है, बड़े शिवलिंग की स्थापना जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हम मंदिरों में करते हैं, घर में केवल हम उनकी स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका जल से अभिषेक कराते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। तो जितनी छोटे से छोटी मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे उतनी ही वो ज़्यादा शुभ और फलदायी होती है। घर में कोई भी बिजली का स्विच है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है खराब पड़े हुए हैं तो नए साल से पहले इन्हें तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा ठीक अवस्था में होनी चाहिए। खराब चीज़ें घर में अंधकार लेकर आती हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। जब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसी वजह से घर में कलह कलेश होता है, हमारी जो बरकत है, हमारी जो इनकम होती है वो रुक जाती है, हमारी तरक्की रुक जाती है, हमारी तरक्की के नए नए रास्ते नहीं बन पाते, हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगता है। तो इन चीज़ों को अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल करने के लिए जितने भी आपके घर में बेकार पड़ी चीज़ें, चाहे वो घड़ी है, चाहे कोई बर्तन है, चाहे आपकी खिड़की है का टूटा कांच है, या आपकी कुर्सी मेज है, तो इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर फेंकिए। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई खिड़की है, दरवाजे है और उनके कांच टूट गए हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। किसी भी तरीके का टूटा कांच घर में अशुभ होता है। ये चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, तो अपने घर की खिड़की दरवाजों को तुरंत बदल दीजिए, वहां पर आप दूसरा कांच लगवा दीजिए। नए साल की शुरुआत से पहले अपने घर में जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, इन्हें तुरंत बाहर कर दीजिए। ये चीजें घर में कंगाली लेकर आती है। नए साल में के आगमन पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को तुरंत घर से हटा दीजिए। कोई भी टूटा फूटा सामान अपने घर में ना रखें, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो सके, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।